वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत का उद्घाटन करने के बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें इससे क्या होगा कि आने वाले समय में निर्बाध रूप से रेलगाड़ियां चलेगी, यानी टाइम बहुत कम लगेगा। आपको बता दें अभी क्या हो रहा था, एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी भी चल रही थी और हमारा जो पैसेंजर गाड़ी वो भी चल रही थी, लेकिन अब क्या होगा आपको बता दें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन यानी 402 किलोमीटर लंबे रेल खंड का भी उद्घाटन किया है दोस्तों। इससे क्या होगा कि अब फ्रेट जो चल रही है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट जो है उसमें 10,000 करोड़ रुपये की लागत से ये बना है दोस्तों, और निर्बाध रूप से उस ऊपर मालगाड़ियाँ चलेगी और पैसेंजर का अलग ट्रैक है दोस्तों, जिसके कारण अब पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं होगा और निर्बाध रूप से पैसेंजर गाड़ियाँ चलना शुरू कर देगी दोस्तों। आपका समय भी बचेगा और बहुत कम समय में आप डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी मिलेगा मजबूती। आपको बता दें कुल 12 स्टेशन शामिल है इस क्षेत्र में, जिनमें 6 जंक्शन स्टेशन है और 6 क्रॉसिंग स्टेशन शामिल है। यह गलियारा झारखंड पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड को भी उत्तरी भारत के बिजली संयंत्रों से जोड़ता है और इस गलियारे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से मालगाड़ियाँ दौड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बिजली संयंत्रों को जो कोयले तीव्र गति से आपूर्ति होगा, इससे लॉजिस्टिक लागत कम समय में भी पहुँच जाएगा, लागत भी कम होगा और कम समय में पहुँच जाएगा। इसके अतिरिक्त लोहा और इस्पात सहित आवश्यक वस्तुओं का भी परिवहन अधिक कुशल हो जाएगा। आपको बता दें रोजगार के नए अवसर भी होंगे पैदा। आपको बता दें चालू होने से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू होगा, इसे दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर दबाव कम होगा और बल्कि फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों के तेज और सुचारू संचालन में भी मदद मिलेगी। इससे दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर अतिरिक्त यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है और न्यू कानपुर जंक्शन के आसपास एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी विकास होगा। इस तरह से